नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप रोजगार से जुड़े समाचार से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे YouTube चैनल GOBPVT को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चले बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। बिहार MLC के लिए आज से नामांकन हुआ शुरू। अब जल्दी होगा लंबित दाखिल खारिज का निपटारा। बिहार में इंडस्ट्री लगाने के लिए खरीदे जाएंगे निजी जमीन। अब छात्राओं के लिए अलग से नहीं खोले जाएंगे स्कूल या कॉलेज। शराब पीकर पकड़े गए तो नहीं जाना होगा अब कोर्ट। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। अब जल्दी होगा लंबित दाखिल खारिज का निपटारा। बिहार सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी राज्य में बड़ी संख्या में दाखिल खारिज के मामले लंबित है, लेकिन अब इसकी परेशानी जल्द खत्म होगी। इसके लिए बिहार के सभी अंचलों में लंबित दाखिल खारिज के निपटारे के लिए राजस्व अधिकारी सहयोग करेंगे। इसके लिए लोक सेवा आयोग के 566 राजस्व अधिकारी का चयन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के लिए हुआ है। इनमें से कुल 442 राजस्व अधिकारियों का प्रशिक्षण के बाद अन्य अंचलों में तैनात किया जाएगा। आपको बताते चले कि पिछले एक साल में 25,34,896 दाखिल खारिज के आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 7,64,654 मामले अभी भी लंबित है। ब्रेथ एनालाइजर से होगी शराब पीने वालों की चेकिंग। होली जैसे बड़े त्यौहार पर शराब पीने वाले और भी सक्रिय हो जाते हैं, ऐसे में पुलिस प्रशासन भी पहले से ही सजग है। ऐसे में ही होली पर शराब पीने की प्लानिंग करने वालों के लिए अहम खबर है। आपको बता दें कि होली में शराब पीने वालों की चेकिंग ब्रेथ एनालाइजर से की जाएगी। उत्पाद मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें सख्त दिशा निर्देश देते हुए कहा गया है कि होली पर जगह जगह ब्रेथ एनालाइजर से शराब पीने वालों की चेकिंग करने को कहा गया है। साथ ही अधिकारियों से कहा गया है कि प्रतिदिन कितने लोगों की चेकिंग की गई, जिसमें से कितनों में शराब पीने और कितनों में शराब नहीं पीने की पुष्टि हुई है, इसकी भी रिपोर्ट देनी होगी। अगले 3 दिन बाद प्रदेश में तापमान में होगी वृद्धि। बिहार में दिन प्रतिदिन तापमान में वृद्धि हो रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिनों तक तापमान में कोई बदलाव के आसार भी नहीं दिख रहे हैं। राज्य में पछुआ हवा का प्रवाह निरंतर जारी है। इसके प्रभाव से प्रदेश में अगले 3 दिनों तक मौसम शुष्क होने के साथ ही आकाश साफ रहेगा। इसके बाद तापमान में वृद्धि होगी। मौसम का मिजाज कमोबेश मौसम कोसी सीमांचल और भागलपुर बांका लखीसराय जमुई मुंगेर खगड़िया मधेपुरा सहरसा सुपौल कटिहार पूर्णिया अररिया और किशनगंज में नजर आ रहा है। गर्मी से निजात के लिए राज्य में बारिश के अभी कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे। अगले 3 दिनों तक दिन और रात के तापमान में कोई बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। बिहार में इंडस्ट्री लगाने के लिए खरीदे जाएंगे निजी जमीन। बिहार में बेरोजगारी की समस्या खत्म हो और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले, इसको लेकर बिहार में उद्योग लगाने के लिए उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन लगातार प्रयासरत हैं। उद्योग मंत्री ने कहा है कि बिहार में इंडस्ट्री लगाने के लिए निजी जमीन भी खरीदी जाएगी और ये MVR की दर पर खरीदी जाएगी। इसके लिए कई प्रस्ताव भी आए हैं। उद्योग मंत्री की माने तो इंडस्ट्रियल पार्क के लिए ई ऑक्शन की सुविधा देने का लक्ष्य है। इसी कड़ी में उन्होंने बताया है कि गया में इंडस्ट्रियल पार्क के लिए 1600 एकड़ भूमि को चिन्हित किया गया। इसके तहत राज्य में 1000 एकड़ भूमि की जरूरत है। NTPC के छात्रों के लिए सुशील मोदी ने रेल मंत्री को लिखा पत्र। NTPC के छात्रों के लिए पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर आग्रह कर एक एक छात्र का रिजल्ट की मांग की है और साथ ही ग्रुप डी में 2 के बजाय 1 परीक्षा लेने की मांग भी। छात्रों के अनुकूल फैसला लेने का निर्णय किया है। इस हिसाब से NTPC के लिए कुल 3,05,000 और रिजल्ट प्रकाशित करने की मांग की गई है। इसके साथ ही पूर्व उप मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड भी वही होना चाहिए जो 2019 में परीक्षा का विज्ञापन निकालने के समय तय किया गया था। संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वाले 71 IPS अधिकारियों को गृह विभाग ने भेजा नोटिस। बिहार सरकार के गृह विभाग ने अधिकारियों को अपने चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा देने को कहा था, लेकिन इनमें से बिहार सरकार के 71 IPS अधिकारियों ने अपने संपत्तियों का ब्यौरा नहीं दिया है, जिसके बाद गृह विभाग ने इन पर शिकंजा कसते हुए इन्हें नोटिस भेजा है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर ये अपने संपत्ति का ब्यौरा देने में असफल रहे तो इन अधिकारियों का वेतन रोक दिया जाएगा और विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी। आपको बताते चले कि मौजूदा राज्य सरकार के नियम के अनुसार वार्षिक विश्लेषण के लिए अपनी संपत्ति की सूची जमा करनी होती है। इन अधिकारियों की समय सीमा 28 फरवरी थी, लेकिन समय सीमा पार होने के बाद 31 मार्च तक कारण बताओ नोटिस का जवाब देना होगा। जमीन का गलत रिपोर्ट देने वाले अधिकारी पर होगी कार्रवाई। बिहार में जमीन की गलत रिपोर्ट देने वाले अफसरों की अब खैर नहीं होगी। मध्य निषेध और निबंधन मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि जमीन की गलत रिपोर्ट करने वाले 9 अफसर के खिलाफ आरोप पत्र भी गठित किया जा चुका है। इन पर विभागीय कार्रवाई की जा रही है। विधानसभा में अपनी तरफ से ध्यान आकृष्ट करते हुए विजय कुमार खेमका ने कहा है कि बिहार में जमीन की खरीद बिक्री के लिए भूमि निरीक्षण अधिकारी नए नियम के आलोक में आम लोगों को दोहन कर रहे हैं। साथ ही इस पर रोक लगाने के लिए नए नियम में संशोधन और जमीन के क्रेता और विक्रेता से शपथ लेकर जमीन का निबंधन कराने की व्यवस्था की जाए। बताया गया है कि जमीन के 5527 ऐसे मामलों में 31 करोड़
19 लाख की वसूली भी की गई है। बिहार में कृषि कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी, कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले कृषि विद्यार्थियों के लिए बिहार सरकार खुशखबरी लेकर आई है। आपको बता दें कि बिहार सरकार इन विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले सभी कृषि स्नातक के विद्यार्थियों का स्टाइपेंड बढ़ाने वाली है। इसके अलावा किसान और खेती को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा नए कॉलेज भी खोले जाएंगे। साथ ही राज्य के सभी कृषि बाजार समिति के प्रांगण को आधुनिक कृषि बाजार के तौर पर विकसित किया जाएगा। इसके लिए सदन में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 3,615 करोड़ रुपए भी पारित किए गए हैं। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया है कि कृषि से जुड़ी बीज योजना, जैविक खेती, बागवानी, कृषि यंत्रीकरण, कृषि तकनीक के प्रचार प्रसार के साथ साथ कृषि अनुसंधान और शिक्षा पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों का अब जल्द ही बनवा सकेंगे ब्लू आधार कार्ड। विदेश के साथ साथ बिहार में भी पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड को पहली प्राथमिकता दी जाती है। ऐसे में सभी के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य हो गया है। अभी तक बिहार में 5 साल के नीचे की उम्र वाले बच्चों का आधार कार्ड नहीं बनाया जाता था, लेकिन अब बहुत जल्द ही बिहार में भी 5 साल से कम उम्र वाले शिशुओं के भी आधार कार्ड बनने लगेंगे। लेकिन ये आम लोगों से थोड़ा अलग होगा। इनके शिशुओं के आधार कार्ड रंग नीला होगा। इनका आधार कार्ड बनवाने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट और हॉस्पिटल में मिलने वाली डिस्चार्ज स्लिप ही काफी है। 5 साल उम्र पूरा होने के बाद बायोमेट्रिक आधार डेटा अपडेट कराना होगा। अगर आप आधार कार्ड के वैलिड सेंटर्स पर इन दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही अब आप आधार कार्ड के लिए वैलिड सेंटर्स पर इन दस्तावेजों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कोई चार्ज की वसूली नहीं होगी। विधानसभा में चल रहे बजट सत्र में गलत जानकारी देने का लगा आरोप। बिहार विधानसभा में चल रहे बजट सत्र में आज सदन को गुमराह करने और गलत जानकारी देने का मुद्दा जोर शोर से उठा। विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष ने भी अपने मंत्री को लपेटे में लिया। भाजपा विधायक पवन जायसवाल और एक अन्य मंत्री ने कहा कि हम चैलेंज करते हैं कि ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री ने चिरैया विधानसभा क्षेत्र के एक पुल के बारे में गलत जानकारी दी है। इस पर स्पीकर विजय सिन्हा ने कहा कि ऐसे 12 मामले आ चुके हैं, अगर गलत जानकारी है तो उसे सबूत के साथ पेश किया जाए, उस पर संज्ञान लिया जाएगा। वहीं तेजस्वी यादव ने मनरेगा का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जवाब मिला है कि 62,09,000 लोगों ने जॉब मांगा था, लेकिन वेबसाइट में बताया गया है कि 1,53,00,000 लोगों ने आवेदन किया था। यानी सरकार की तरफ से जो रिपोर्ट दी गई है सदन में वो बिल्कुल फर्जी है। सरकार इसका जवाब दे। अब छात्राओं के लिए अलग से नहीं खोले जाएंगे स्कूल या कॉलेज। खासतौर पर अब अलग से लड़की या महिलाओं के लिए स्कूल या कॉलेज नहीं खोले जाएंगे। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया है कि सरकार को एजुकेशन को बढ़ावा दे रही है। शिक्षा के मामले में लड़कों की तुलना में लड़कियां आगे निकल रही हैं। ऐसे में लड़कियों या फिर महिलाओं के लिए अलग से स्कूल या कॉलेज खोलकर उन्हें पीछे करना उचित नहीं है। हाई स्कूल और प्लस टू विद्यालयों के नाइट गार्ड के मानदेय की समीक्षा होगी। विद्यालय प्रबंधन समिति के पास राशि नहीं रहने के कारण रात्रि प्रहरी का मानदेय ही नहीं दिया जाता है। इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि नियमित नियुक्ति होने तक मानदेय का प्रावधान है। इन पदों पर नियुक्ति होने के बाद ये व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। सदस्यों की मांग पर शिक्षा मंत्री ने कहा सरकार इसकी समीक्षा करेगी। महिला दिवस के मौके पर 90,000 आशा कार्यकर्ताओं को मिला तोहफा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बिहार सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं को विशेष उपहार दिया। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बिहार में कार्यरत 90,000 आशा कार्यकर्ताओं को अब यूनिफॉर्म के लिए 500 रूपये अतिरिक्त देने की घोषणा की है और अब राज्य कोष से आशा कार्यकर्ताओं को सरकार 1,500 रूपये देगी। आपको बताते चले कि महिला दिवस के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इसकी घोषणा की थी। साथ ही कुल 114 स्वास्थ्य कर्मियों को भी सम्मानित किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी हमेशा महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर सशक्त करने के लिए कई कार्यक्रम से उन्हें जोड़ा है। शराब पीकर पकड़े गए तो नहीं जाना होगा आप कोर्ट। एक ओर बिहार सरकार शराब पीने वालों पर शिकंजा कस रही है, दूसरी ओर शराबियों के जेल पहुंचने से पहले बेल कैसे मिल सकती है, इसके भी उपाय किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अगर आप शराब पीने के बाद पकड़े गए तो आपको आसानी से अब बेल मिल सकती है। कैबिनेट से बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2022 को स्वीकृति मिल गई है। इस अधिनियम में होने वाले संशोधन के बाद शराब पीने वाले लोगों को जमानत के लिए अदालत जाने की जरूरत नहीं होगी। उस शख्स को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, इसके बाद आर्थिक दंड लगाकर उसे जमानत दे दी जाएगी। साथ ही शराब पीने के बाद अगर गए तो उन्हें उस इंसान का नाम भी बताना होगा जिसने उसे शराब उपलब्ध करवाया है। बिहार एमएलसी के लिए आज से नामांकन हुआ शुरू। उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव खत्म हो चुका है, जिसके बाद अब बिहार विधान परिषद की सरगर्मी तेज हो गई है, जिसके लिए आज यानी कि 9 मार्च से नामांकन शुरू हो गया है जो 16 मार्च तक चलेगा। मालूम हो कि बिहार विधान परिषद के 24 सीटों पर 4 अप्रैल से चुनाव होने हैं, जिसके लिए अधिसूचना जारी होने के बाद आज से नामांकन शुरू है। इसके लिए आखिरी तारीख 16 मार्च से 17 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी। वहीं नाम वापसी की अंतिम तारीख 21 मार्च है। इसके बाद 4 अप्रैल को विधान परिषद के कुल 24 रिक्त पदों पर वोट डाले जाएंगे। 4 अप्रैल को मतदान सुबह 8 बजे से शुरू होगा जो कि शाम 4 बजे तक चलेगा, जबकि मतों की गणना 7 अप्रैल को होगी। वर्ल्ड कप फाइनल के लिए आकाश चोपड़ा ने भारतीय टीम को दी नसीहत।
1 अगस्त 2021 से शुरू आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का दूसरा एडिशन जारी है, जो कि 31 मार्च 2023 तक खेला जाना है। इसके लिए सभी छोटी बड़ी टीमें फाइनल में जगह बनाने के लिए जोर शोर से मेहनत कर रही है। मौजूदा स्टैंडिंग पर नजर डालें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम टॉप पर है, जिसके बाद पाकिस्तान, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका और टॉप 5 पर भारतीय टीम है। इसी बीच भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी आकाश चोपड़ा ने भारतीय टीम को नसीहत देते हुए कहा है कि भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 टेस्ट मैच की सीरीज के 4 मैच जीतते हुए 100% अंक अर्जित करने होंगे। आप ड्रॉ नहीं कर सकते, आपको सभी 4 मैच जीतने होंगे। श्रीलंका के खिलाफ 2-0 से जीतने की संभावना है। इसके बाद हमें बांग्लादेश में खेलना है और अब मुझे विश्वास है कि हम जीत सकते हैं। एक टेस्ट हमें इंग्लैंड में खेलना है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली हार के बाद ये आसान नहीं होने वाला है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है शंकर मुखिया, रंजीता मिश्रा, कविता कुमारी, मीना कुमारी, रामबरन सैनी, नुन्नू कुमार, विपुल कुमार, रघुनाथ प्रसाद। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार पर्यटन के लिहाज से बिहार का कौन सा पर्यटन स्थल सबसे अच्छा है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।